तो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ विशाल चौधरी, आप देख रहे हैं जाट टेक्स यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में दिखाने वाले 8,000 रुपये के गेम पीसी बिल्ड जो मेरे पीछे रखा हुआ है। तो इस पीसी में बहुत ही अच्छा हमने प्रोसेसर इंक्लूड करा है और बहुत ही अच्छा ग्राफिक कार्ड भी इंक्लूड करा है, क्योंकि ग्राफिक कार्ड कुछ लोग नहीं कर पाते इतने कम बजट में, बट इसमें हमने ग्राफिक कार्ड भी यूज़ करा है। तो आप आराम से कोई भी गेम खेल सकते हो और कोई इशू नहीं आने वाला है। तो ये पीसी अब सेकेंड हैंड पार्ट से बना हुआ है, तो नए पार्ट्स इतने कम बजट में हम यूज़ नहीं कर सकते। और आप कोई भी गेम खेलो, मानो फोर्जा हॉरिज़न 4, फोर्जा हॉरिज़न 3 और कॉल ऑफ ड्यूटी, GTA 5, पबजी, पीसी जो इसमें चल ही रहा है इस टाइम, कोई भी चला सकते हो, कोई बिल्ला लैग के चलेगा और आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल स्मूथ होने वाला है। आप इसमें ई स्पोर्ट टाइटल तो बहुत ही आराम से खेल सकते हो, आराम से आपके 100 से ऊपर FPS आएंगे, क्योंकि उन गेम की CPU डिमांड ज़्यादा होती है और GPU की थोड़ी कम होती है। तो चलिए शुरू करते थे इस बिल्ड को और बने रहिए वीडियो में ताकि आप ये PC बना पाए। तो गाइस, फर्स्ट कंपोनेंट जो हमने इस पीसी में यूज़ करा है वो इसका प्रोसेसर जो है इंटेल कोर 2 क्वाड Q9500। तो ये प्रोसेसर अपने टाइम का बहुत ही अच्छा प्रोसेसर था, मतलब जैसे आज के टाइम पे i9 है या i7 है, उस टाइम का वही प्रोसेसर था। तो इस प्रोसेसर में अब भी इतनी पावरफुल है कि ये i3 7 जनरेशन से ऊपर परफॉर्म करता है। अगर आप सिर्फ प्रोसेसर पावर पर देखें, गेमिंग परफॉर्मेंस में थोड़ी कम कर सकता है क्योंकि इसका आर्किटेक्चर थोड़ा पुराना है, बट गेमिंग आपको तब भी गेम सारे खिलवा देगा। तो इस प्रोसेसर की ये अब तो डिसकंटिन्यू हो चुका है और ये 14.5 नैनोमीटर पे बेस्ड है और इसमें 4 कोर हैं, 4 थ्रेड हैं, 2.83 GHz की इसकी बेस क्लॉक है और बूस्ट भी इसकी इतना ही है क्योंकि इसमें बूस्ट का फीचर नहीं आता। और 6 MB की L2 कैश है और 1300 MHz पर ये वर्क करता है। 95 W की इसकी TDP है, तो थोड़ी सी ज़्यादा है आज के हिसाब से, बट उस टाइम के हिसाब से काफ़ी कम थी क्योंकि उस टाइम प्रोसेसर इतने नहीं होते थे ऑप्टिमाइज, तो उनको ज़्यादा ही पावर चाहिए होती थी। और ये LG 775 को सॉकेट को यूज़ करता है जो ही हमने इस बिल्ड में यूज़ करा है, क्योंकि अगर आपके घर में 10 PC हैं तो 7 PC में तो LG 775 होगा ही होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आपके थोड़ा सा पुराना PC है तो उसमें LG 775 आता है, अगर हल्का सा नया है तो फिर उसमें i3 आता है। तो i3 का तो 1115 आपको पता ही है उसका नया वो है सॉकेट। तो ये PC LG 775 है। तो नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमारे बिल्ड का है वो हमारा मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड के लिए हमने चूज़ करा एजूस का G41। तो ये काफ़ी पॉपुलर मदरबोर्ड है, बट इसका थोड़ा पुराना वेरिएंट है जिसका मॉडल नंबर है P5G41TMLX। तो ये वर्जन भी ठीक है वैसे, इसमें आपका LG 775 सपोर्ट करता है और इसमें आप 8 GB तक रैम तो सब लगा सकते हो। मानो इसमें DDR3 भी लगती है, DDR2 भी लगती है, बट एक बार में या तो DDR3 ही लगा पाओगे या DDR2 ही लगा पाओगे, दोनों को लगाओगे साथ में तो ये वर्क नहीं करेगा। तो ये इसमें थोड़ा कॉन है। बाकी ये DirectX 10 सपोर्ट करता है जो इसके इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पे भी वर्क करता है, इसमें थोड़े से इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी हैं और ये कोर टू डुओ, कोर टू क्वाड, डुअल कोर, इन सबको सपोर्ट करता है, वो कोई इशू नहीं आएगा अगर आप इनको लगाते हो। और इसमें जो हाईलाइटेड फीचर्स हैं टर्बो की, एंटी सर्च और ये विंडोज 7 रेडी, मतलब आपको विंडोज 7 डालनी है तो एकदम डल जाएगी, 10 भी एकदम ही डल जाती है, बट थोड़ा आपको BIOS वगैरह अपडेट करने पड़ सकते हैं। मेरे केस में नहीं करने पड़े, पर किसी केस में करने पड़ सकते हैं। और इसमें थोड़े बहुत फीचर्स और हैं जो इतने ज़्यादा यूज़ में नहीं आते। तो उसमें 4 SATA पोर्ट मिल जाते हैं आपको और 4 USB सॉकेट्स मिल जाते हैं और 3 पीछे आपको वही मिल जाते हैं जो आपके नॉर्मल मदरबोर्ड में होते ही हैं, जिसमें आप ऑक्स वगैरह लगाते हो। और आपको PS2 वाले कीबोर्ड और माउस के फीचर्स मिलते हैं जो थोड़े पुराने हैं बट अब भी चलते हैं। वैसे VGA मिलेगा, HDMI नहीं मिलेगा, क्योंकि तो बहुत पुराना मदरबोर्ड है तो उस टाइम तो HDMI था ही नहीं, तो VGA से आपको काम चलाना पड़ेगा। और वहाँ पर हम ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपका HDMI है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपका। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। तो गाइस, हमने नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमारे चूज़ करा वो हमारा ग्राफिक कार्ड, क्योंकि ग्राफिक कार्ड इस पीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना ग्राफिक कार्ड के आप कोई गेम नहीं खेल सकते। तो मैंने इस पीसी के अंदर ग्राफिक कार्ड यूज़ करा वो है GTX 750 Ti 2G वेरियंट GDDR5 टाइप मेमोरी वाला। और ये मैंने ग्राफिक कार्ड सेकंड हैंड बाय करा, क्योंकि ये नया डिसकंटिन्यू हो चुका है तो आपको सेकंड हैंड ही लेना पड़ेगा, बट ये पॉपुलर बहुत है तो आपको आराम से किसी भी सिटी में आपको आराम से मिल जाएगा। तो इस ग्राफिक कार्ड की स्पेसिफिकेशंस ये हैं, इसमें कूड़ा कोर 640 है और बेस क्लॉक्स की 1020 है और बूस्ट क्लॉक्स की 1085 है। तो ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर ग्राफिक कार्ड काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, आज के टाइम पे भी सारे गेम 720p पे रन कर देगा एटलीस्ट। आपको मतलब आप मानो कि आपको जो नया गेम है असैसिन्स क्रीड वैला वो भी ये रन कर सकता है, उन्होंने कहा है, बट मैंने अभी चेक नहीं कराया, तो वो मैं चेक करने के बाद आपको वीडियो में दिखा दूंगा। अगर मैंने चेक किया तो अरे 5.4 GB GPS के हिसाब से मेमोरी इसकी स्पीड वर्क करती है और ये बैंडविड्थ इसकी है 866.4। तो ये ग्राफिक कार्ड डुअल फैन है, ये हमने OC वर्जन लिया, तो आप इसका थोड़ा ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। जो हमने PC में पार्ट्स यूज़ करें वो सारे ओवरक्लॉकेबल हैं और इवन ये मदरबोर्ड भी ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट करता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी करने की कि आपको सॉफ्टवेयर डालने पड़ेंगे या कुछ अपने BIOS में दिक्कत करनी पड़ेगी। सिंपली आपको BIOS में फीचर मिल जाएगा कि आप इसकी सेटिंग्स बढ़ा सकते हो, तो आप कर देते हैं, सेटिंग्स बढ़ाएंगे तो आपको बढ़ेगा बूस्ट अपने परफॉर्मेंस में। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। तो गाइस, नेक्स्ट कंपोनेंट हमें यूज़ करा है वो हमारी हार्ड ड्राइव। तो ये हमने 500 GB की WD की ब्लू यूज़ करी है, इसकी ग्रीन भी आती है, थोड़ी सस्ती आती है,
बट ब्लू में ज़्यादा स्पीड आपके 7200 RPM पे चलती है, तो थोड़ी फास्ट आपका डाटा रहेगा। इसमें हमने SSD यूज़ नहीं करी, इसलिए हमने इसमें ये करनी पड़ी। तो ये हमारी हार्ड ड्राइव जो 500 GB इनफ है। अगर आपको फ्यूचर में अपग्रेड करना है तो ये आपको अपने आप से ही करना पड़ेगा, इस बिल्ट में इसके पैसे इंक्लूडेड नहीं है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंप्लेंट की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट कंप्लेंट हमारा वो है पावर सप्लाई, क्योंकि पावर सप्लाई के बिना ये पीसी ऑन नहीं होगा। तो पावर सप्लाई हमने यूज़ करी एक जेनेरिक पावर सप्लाई जो 850 rupees या 800 rupees का आपको मिल जाएगी आराम से। तो ये 450 watts है, इसमें ज़ेब्रोनिक्स लिखा हुआ है बट आप नहीं कर सकते, ज़ेब्रोनिक्स की होगी यकीन मत करो। तो ये पावर आपको काफ़ी दे देगा, इतनी पावर में आपका GPU, आपका CPU, आपका मदरबोर्ड सब आराम से चल जाएगा। अगर आपको ग्राफिक कार्ड अगर अपग्रेड करना है या 1050 Ti लेना है वो भी चल जाएगा, बट आपको 1066 GB वेरियंट पर अगर आपको अपग्रेड करना है तो वो नहीं चल पाएगा। तो उसके लिए आपको पावर सप्लाई कूलर मास्टर वगैरह की लेनी पड़ेगी। तो ये एक थोड़ा दिक्कत है, बट आप ले सकते हो अभी के लिए, तो कोई इशू नहीं आएगा। तो गाइस सबसे लास्ट हमारा पार्ट जो है वो हमारी रैम। तो हमने इसमें जो पीसी में कॉम्बो लिया था, इस पीसी में 2 GB की रैम लगी हुई थी वो हमने इसमें से रखी हुई है, और हमने इसमें 4 GB की एक्स्ट्रा अपग्रेड करी है हाइनेक्स की 1300 MHz की, क्योंकि ये मदरबोर्ड 1300 MHz ही सपोर्ट करता है। तो ये लगानी पड़ी हमें क्योंकि 2 GB रैम में तो क्या ही गेम चलते। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इस पीसी के टोटल कॉस्ट के बारे में। तो गाइस गेमिंग पीसी के टोटल कॉस्ट जो पड़ी है वो हमारे 7300 ये प्राइस मुझे पड़ी। आपको शायद थोड़ा महंगा पड़ सकता है, तो मैं आपको पार्ट्स बता देता हूँ। तो 3000 का पड़ा मुझे ग्राफिक कार्ड जो है GTX 750 Ti, 1000 का पड़ा मुझे प्रोसेसर जो है Q9500, और 1300 की मुझे पड़ी है रैम जो है DDR3 4GB वेरियंट, और ये 2000 का मैंने इसमें खरीदा कॉम्बो जिसमें था मुझे पावर सप्लाई, कैबिनेट और मदरबोर्ड, और 2 GB की मुझे रैम मिली थी और 500 GB की हार्ड ड्राइव। तो ये आपको आराम से मिल जाएगा। इसमें मुझको प्रोसेसर ही मिला था E8500 जो किसी काम का नहीं था, तो मैंने उसे हटा दिया था, तो वो बिल्कुल वेस्ट था मेरे लिए। तो अगर आप प्रोसेसर भी हटा लेते हैं तो आपको और सस्ते मिल जाएगा। मान लीजिए आपको 7500 का पीसी बेटर है, तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से अगर ये थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है आपके लिए, तो आप इसे 8000 तक का आराम से बना सकते हैं। तो ये प्राइस बिल्कुल जेन्युइन है, आप आराम से 8000 में आराम से गेम पीसी बिल्ड कर सकते हैं जिसमें पबजी पीसी चल सकता है और GTA 5 जो भी आपको नए गेम बनाने हैं सारे चल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पीसी को बिल्ड करना शुरू। अगर सबसे पहले आपको चाहिए एक पेज का जिसमें दिखा सकते हैं, उसमें ये वाला होना चाहिए 4 वाला जो होता है। सिंपली तो अभी से रख लेते हैं साइड में, ये ले लेते हैं अपना मदरबोर्ड। अब से हम करते हैं इसके अंदर फिक्स। गाइस जल्दी से कर लेते हैं इस पीसी को बूट, और जब तक ये पीसी बूट हो रहा है तब तक मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। तो गाइस सबसे पहली बात तो ये कि थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और दूसरी बात ये कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और घंटे के आइकन को जरूर दबा लेना, नहीं तो मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको नहीं मिलेंगी। और नेक्स्ट बात ये, अगर आपको चाहिए इस गेमिंग पीसी की गेमिंग परफॉर्मेंस या बेंचमार्क वीडियो जिसमें आपको बताऊँगा कितने FPS पे कौन सा गेम चल रहा है, तो मैं वो बना दूंगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में कहोगे कि भाई हमें एक ऐसी वीडियो चाहिए और जो सा भी गेम आपको इसमें चला के दिखवाना है वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वो वाला गेम डालूंगा इस पीसी में और उसका चला के भी दिखाऊंगा कि कैसा चल रहा है, कैसी इसकी परफॉर्मेंस आ रही है उस पर्टिकुलर गेम में। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो वीडियो को, मिलते हैं मेरी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।